हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों को इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि दूल्हे मियां हमारे व्लॉग नहीं बना पाएंगे और बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो दशहरे में आराम से बैठ के निकाह कबूले 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 करने वाले। तो लेकिन उससे पहले ये आज है निकाह है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ जिसमें जो बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड स्टोरीज ऐसा कह सकते हैं, जो एक्चुअल निकाह स्टोरी है हमारी, वो आप लोगों को कल मिलेगी। तो आज मैं यहाँ से कहाँ से शुरू कर रहा हूँ पता है, यहाँ पर बन रही है दूल्हे के लिए जो खीर बनती है, नूर बना रही है, यहाँ बना रही हूँ मैं दूल्हे के लिए खीर शिरखुरमा टाइप थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रेडी होके निकलने से पहले कुछ मीठा खिलाया जाता है, तो इसलिए बन रहा है यहाँ पर। स्पेशल खीर बन रही है भाभी की तरफ से ये रियाज भाई के लिए, वाह शिरखुरमा। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरा कैमरा मैन बनेगा यूसुफ। यूसुफ तुझे कैमरा पकड़ने का और अच्छे से दिखाने का। कैमरा चालू करके दिया था मैंने, कैमरा बंद करके पकड़ा मैं। गाइस ये ना वीडियो शूट कर रहा था कैमरा बंद करके, तो मैं पीछे से आई हूँ अभी। तो उसमें बोल रही है काम करो मामू, ये पीछे से ऐसा छुपा दो किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ से खोलो। अच्छा ये क्या एग्जैक्टली वापस बोल, क्योंकि कैमरा बंद था। ये आया है रियाज भाई की शादी के लिए गिफ्ट आया है सब्सक्राइबर तरफ से, लेकिन शादी के लिए आया है ये गिफ्ट, ऐसा है जो शादी में इस्तेमाल होगा ऐसा वाला गिफ्ट आया है। तो मैं अभी वैसे भी ओपन करने का ही है, तो बोला आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, तो बाद में शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। हट जाओ उसमें बीच में से, देखो मैं गिफ्ट खोल रहा है, इसका सर दुख रहा है। इतना ज्यादा सोएगे तो सर तो दुखेगा ही ना। अच्छा जो खाया ना जो इसने, रोटी पटाखी क्या खाए थे भाई, रुमाली रोटी अंडे का, एक बोला मैं एक खा, सात आठ आगे खा लेंगे तो। अच्छा कबाब भी आए थे क्या? अच्छा 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 होटल मोमेंट समथिंग कार्ड फ्रॉम फैशन एस एन, किसी का लेटर पढ़ा नहीं जाता, ये चेयर रियाज को दे, रियाज बैठा है वहाँ पे वो पढ़ेगा, दे चल पढ़ रहा है ये, तो ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये चीटर पड़ रहा है। यार भाई फाइनल मैच वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं पहले ही बोला था वर्ल्ड कप चल रहा है भाई शादी के लिए। रियाज देख किसी का लेटर है, यार रियाज की शादी के मुबारक मौके पे इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी, तेरे लिए कोई हार गए तो, हार गए तो भी कम से कम रियाज की शादी मुबारक। जोर से पढ़ना? नहीं नहीं जोर से नहीं पढ़ना, इट्स योर लेटर एंजॉय। आप वापस इधर चलते जाओ। हाँ पक्का, ये वही मेरे लिए विशेज है, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं है मेरी होने वाली और हमारी लाइफ। अरे मैं सोचा लिफाफा है कुछ कैश वैश आया रहेगा। तो बस ये बहुत सारी ना दिल से दुआ है और वो उनकी तरफ से गिफ्ट है। नाम लेके थैंक यू वगैरह कुछ बोलना है? अरे वो तो नहीं मैं बोलूंगा, वो मेरा। अच्छा चल चल आइए मैं करता हूँ, चलिए चलिए बैठिए बैठिए। Anas bhai, back to the world, back to the pavilion. You say aisa pressure kyun hai, kyun hai bhai, kya hai packing to packing? Oh my god, my god, पेन आई पेन, ओहो निकाह की पेन आई है। दे नजदीक ला, फ्लैश चालू कर, नजदीक ला, आहा इधर दिखा तो सही, ऐसा दिखा आड़ा आड़ा पट्टा और ऊपर निको कबूल है रियाज, फोटो खींच रियाज ये सबा, ये भाई की यार निकाह की कलम वाली भाई। चलो इसको ऐसे रखते हैं गाइस, देख लेना आपने ये निकाह के टाइम पे यूज किया जाएगा, इसके लिए इसको ना वापस से वैसी रख दिया जाए। अगर ये अभी पैकिंग ऑफिस ही करेंगे ना भाई, पैकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां पर भी टेंशन नहीं चाहिए, बोला मैंने। मैं तो सोचो वहां पर काजी साहब बोलेंगे चलो भाई साइड कर दो, अरे काजी साहब दो मिनट काम खूब चल रहा है वहां पर, अलग काजी साहब बोलेंगे मैं जा रहा हूँ। उल्टा ये तो चल सही है, ये मेरा होएगा आई गेस है ना, ये मिरर नहीं क्या, ऐसा दिखते दुल्हन को दूल्हा को ऐसा ऐसा वाला है ना, वाह दो मिनट रुको, इसका अच्छे से उस पर वापस ये रख के इसका फोटो खींचेगा तो मजा आएगा तुम लोग को।
मत खोलना मत खोलना, वहीं खुलेगी। हाँ खाली ये रख दे उसके ऊपर। तो गाइस ये है जिनकी तरफ से गिफ्ट आया, ये मेन इम्पोर्टेंट दीघा के जरूरी सामान इसमें। तो एसएम फैशन बाय नाज। ओके कौन? नाज। नाज ठीक है। तो ये रहा उनका कॉन्टेक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी। तो बिल्कुल शादी के मौके पे जरूर याद करें, ठीक है। दूसरी शादी के टाइम पे भी याद करें, तीसरी शादी के टाइम पे भी याद करें। मैं तो यही करूंगा। अरे हमसे आया ना भाई, मुबारक हो खाना भाई, मैं भी यही करूंगा। अच्छा कर चुका है ए, तू एक कर चुका है, एक और बोला वाले मत खोल अभी। इसको नहीं बोलते, इसको वापस है वैसे रख देते जैसा आया था। ये मैं इसीलिए खोला क्योंकि वो टाइम पे परेशानी ना हो। अभी किसके पास डाई है? सीधा रियाज भाई को सजाएंगे, अपन सहरा पिलाएंगे, दूल्हे राजा को तैयार करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रियाज भाई की शेरवानी जो आप लोग ने अभी तक नहीं देखे थे, दूल्हा अपना तैयार हो रहा है। अनस भाई ओहो माशाल्लाह, अभी पहनने के बाद देखेंगे। पहला बटन लगा दिया भाई, फिर रुक लगा है ना। हाँ कैसी सी है ये शेरवानी, कैसी लग रही मेरे पे जरूर बताओ यार। दूल्हा हो रहा तैयार अपना, माशाल्लाह एक नंबर। शादी किसकी है? रियाज भाई की। रियाज के मन में लड्डू फूट रहे हैं, चेहरे पे स्माइल बता रहा है, सिर्फ स्माइल बता रहा है। रियाज भी बोलेगा रियाज। अरे अरे आई ना जरूरत है क्या रियाज? हां हां है इसको जरूरत ही है। शेरुबा तैयार कर रहे हैं। देख कैसा लग रहा है, मस्त। अब है इसके अंदर अपन मारेंगे तड़का, मस्त लग रहा भाई, मस्त लग रहा है। भाई है जूती, जूती कौन संभालेगा, चोरी होने वाली है। मैं संभालूंगा। कैसा अपने पास बहुत शूटर है, चोरी कर सकता है क्या? आगे कोई बोल सकता है क्या? वो मुनव्वर फारूकी का कोई किसी ने देखा है क्या? नहीं अनिल की दादी, अनिल की दादी एडजस्ट में। हाँ सॉक्स मान ले, लाया ना इधर। हाँ लिया लिया उसको। एक दिन के महाराज है तुझे। नहीं ना भाई, क्या किसे मरना पड़ता है। सही है। ऐसी चीज होती है ना कि उसका लेफ्ट और राइट नहीं होता कभी भी, जो दिल में आया वो पहन लो, वो पैर के हिसाब से बनता है। कौन सी अच्छी लग रही है? ठीक है ठीक है, हल्दी तो लगी हुई है तेरे पैरों में। माशाल्लाह बाल लिखा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं मैं लिखा था ना वापस। ओहो माशाल्लाह परफेक्ट, ये थोड़ा तो दिख रहा है देखने के लिए। देखिए हाँ ये मिरर लूँ क्या बड़ा वाला? दम क्लियर दिखेगा यार, आज इसमें देख ले मंगता तो इसमें क्लियर दिखेगा एकदम। इसको बराबर दिखेगा लेकिन आप बताओ मिरर में कैसा दिख रहा? हाँ मिरर में भी एकदम बवाल। यही था चलेगा, सेट कर लो अपने। कंफर्टेबल लग रहा है, बैठ जाएगा। चाचू को तैयार कर रहा हूँ, शादी चाचू की है,
मेरा फोकस इधर रहने दे भाई प्लीज। ये मेरे को ऐसे कट्टी हो रहा है क्योंकि मैं चाचू को तैयार कर रहा हूँ इसको चीज नहीं खिला। मतलब समझ रहे कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, एक तरह है चाचू की शेरवानी और एक तरह है यूसुफ की चीची। फंस गया मैं, रुक गया मेरे को पांच मिनट दे, मैं तेरे को चीज खिला। नहीं यूसुफ का मूड ऑफ हो गया। पांच मिनट। अरे अभी सहरा पिलाने गए, चलो को भी लगाओ, ये लो यूट्यूब भाई। ये इसको सिर्फ चीज चाहिए, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है। हाँ यूट्यूब अपनी चीज से मतलब दुनिया की चीज नहीं चाहिए। कैसा लग रहा आपका लाडला दादा, कमेंट बताओ। अस्सलाम वालेकुम मैंने नारियल मंगाई थी, नींबू मंगाई। चलो अरे पांचवी में उसके बाद जाना चाहिए, लास्ट में आएंगे ना, पहले ये आ जाएगा ना। लेकिन अपने को ये नहीं पहनना बोल रहा, वो नहीं पहनने का बोल रहा। अच्छा एक बार मेरे को दिखा देना क्या अच्छा लगा। इसमें भी पहना सकते हैं, आपने पहना है। ये थोड़ी मिली, ये काटना पड़ता है। दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ी दिखा रहा हूँ। ये पलट में आएगा, क्या रखने का पहले ना, दोनों हाथ, ये हाथ के बीच में आएगा जाएगा रिया जी, चारों तरफ ये हार रहेगा। नहीं जमेगा शेरू भाई, अभी हाथ निकाल दो यार, परेशान हो गए। अभी उड़ेगा तू ऊपर, सही लग रहा है। थोड़ा वजन झेल लेना, थोड़े दूर के लिए वजन झेल, लेकिन मस्त लग रहा है। ठीक है से सही है। एकदम करीब चुप रहे ना, वो नहीं, वो धागा निकाल, धागा पीछे से भी काट निकाला। वो जब नहीं चलेगा ना, नहीं होता, नहीं बात ये वाला तो नहीं जरूरत नहीं, ले पकड़ हो गया। अरे अरे एक नंबर उल्टा बांध रहा है।
ए भाई जान क्या है? अरे भाई हाँ रियाज किधर है तू? भाई किधर है? यार हैदराबाद में ही तू तुम जाओ ना भाई हाथ नहीं जा रहा हूँ हरप्रास भाई जाओ ना पीछे नहीं नहीं नीचे नहीं इतना रियाज इतना नीचे नहीं घुटने घुटने तक है घुटने तक अरे हाथ का बाकी है अरे वाह अरे वो छोटा वाला हाथ का है भाई ये पाव किलो ज्यादा नहीं 100 ग्राम है अब कुछ हुआ ही है ना हाँ वो अत्तर लगा उसको तो मतलब ही नहीं अभी इसकी मजा आ रही कुछ चली जब आप एक नंबर बवाल तो अपना दूल्हा है तैयार अभी जाने वाले हैं हम लोग ने सेहरा पिना के निकाले इसको कार में वापस पिनाएंगे ये वाला वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ क्योंकि यहाँ से अभी जो निकाह और पूरे शादी का फंक्शन मिलेगा आपको अगले वीडियो में ठीक है गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और मेरे कपड़े मैंने बताई नहीं थी अभी तक तो मैंने ये वीडियो के अंदर बता दी अपने कपड़े कि मैंने क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी मेरे बेटे से मैचिंग है दूल्हे से मैचिंग कपड़े समझ रहे तुम लोग चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जब तक के लिए टाटा बाय बाय खुदा हाफिज़।